पहले रामचरितमानस और अब सुंदरकांड पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सरकारी खर्च पर सुंदरकांड का पाठ कराने को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। इसी को लेकर आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विवादित बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसको हिंदी साहित्य के अलंकार का ज्ञान न हो, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। जो साहित्य नहीं जानता है वो समाज को भ्रमित ही करेगा। व्यक्ति के बारे में क्या कहें जो अभी पढ़ा लिखा ही नहीं है, कायदे से जो कहता है, जिसने एक दोहे के लिए कहा था कि तुलसीदास ने क्या लिख दिया। शायद उनको नहीं मालूम कि अलंकार भी कुछ होते हैं हिंदी साहित्य। कनक कनक थे सौगुनी मादकता दिखाए, दोनों कनक का अलग अर्थ है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इस पानी के तीन अर्थ हैं। जो साहित्य जानता नहीं और साहित्य का विश्लेषण करेगा तो समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेगा। ही इज वन ऑफ देम।